ये माहिर आ गया देखो। हमारी गाड़ी है वो, ये हमारी गाड़ी है। आपको पता है हमारी गाड़ी है? माहिर ने अपनी गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया। आजो भाई रोटी खाएंगे, आजो। तो हम यहाँ पे हैं उत्तरकाशी में GMVM के होटल में, और हमने ऑर्डर किया यहाँ पे पूरी भाजी है, इसमें पूरी आई है, और हमने एक रोटी भी ऑर्डर किया माहिर के लिए। है ना माहिर, रोटी खाओगे आप? रोटी खाओगे? तो करते हैं स्टार्ट। ब्रेकफास्ट हमने यहाँ पे कर लिया, और हिमाली बताएगी कैसा लगा यहाँ पे खाना। खाना अच्छा था, हमने आज आलू पूरी खाई है, आलू पूरी खाया, अच्छा बना हुआ था, टेस्टी था, और चाय बहुत बढ़िया थी। अब तक के ट्रिप पे जो मैंने चाय पी वो सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पे, और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी थी। हिमाली की जो मिल्क टी थी और मेरी जो टी थी वो लेमन टी थी, वो भी बहुत बेस्ट थी। तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं आके, GMVN के यहाँ पे बने हुए हैं होटल्स, और यहाँ पे कैंटीन भी इनकी, कुछ के अंदर प्राइवेट है, कुछ में गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट वाली थी। तो गाड़ी हमारी रेडी है, और ये बिल भी देते हैं काट के, चलते हैं फिर इसके बाद। उत्तरकाशी से हम निकल चुके हैं, और टाइम हुआ है अभी 11:30 हो चुके हैं, 11:30 हो चुके हैं, और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखो हल्की हल्की बारिश उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में हल्की हल्की बारिश हो रही है, और यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर है गंगोत्री। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वैसे रोड बताया गया है कि बहुत अच्छा रोड बन गया है अब, क्योंकि 2015 या 2016 में जब हम आए थे तब इतना अच्छा रोड नहीं होता था, लेकिन अब अच्छा रोड है। और गंगा मैया के दर्शन करिए सुबह सुबह, जय गंगा मैया की। देखिए दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, पहले दर्शन गंगा माता के। गंगा नदी के ऊपर से हम पुल पे से क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए। अब हमें कहाँ मुड़ना है, राइट की लेफ्ट? राइट, हमें जाना है राइट, क्योंकि अब एक ही रास्ता है, इसलिए हमें राइट ही जाना है गंगोत्री की साइड। और मौसम सुहावना हो रहा है बहुत ज्यादा, आपको पता ही है बारिशें चल रही हैं। गंगा वाटिका गंगोरी, बहुत सुंदर मौसम हो रखा है, ये देखिए नजारा, ऊपर बादल हो रखे हैं, कर रहे हैं और माहिर वीडियो बना रहा है मम्मा के हैंड से पकड़ के। यहाँ से गंगोत्री 95 किलोमीटर है, और डोडी ताल यहाँ से है 33। डोडी ताल नहीं आएगा, लेकिन रोटी साल ऊपर है, हमने जा रहे हैं गंगोत्री 95। मनेरी है, पता नहीं मनेरी आगे ऐसे क्या है, क्या ये पावर हाउस है शायद यहाँ पे, है ना? काफी सुंदर जगह है ना, यहाँ से ना एक तो पता नहीं क्या झरना टाइप बह रहा है, ये सब पता नहीं क्या बोलते हैं, किस लिए बना है कुछ नहीं पता। टनल टाइप में बनाई गया, वहां से पानी निकल रहा है, बस यहाँ पे पानी निकल रहा है। मुझे लगता है एक और आएगा आगे, है ना? ये वही है क्या अलग है? ये यहाँ तक क्या कर रहा है, पानी ऊपर तक गिरता है। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ से व्यू भी है, और देखो किस तरह पानी निकल रहा है पूरा मनेरी बांध के 2 किलोमीटर में, ये लिखी है डिटेल थोड़ी सी। भाई अच्छा लग रहा है ना, कूलिंग आ रही है ना, काफ़ी झरने की वजह से काफ़ी कूलिंग आ रही है।
काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है और हम फुल इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और ये रही हिमाली, माहिर अंदर सोया पड़ा। यहाँ नीचे भी जा सकते हैं इंजॉय करने, और मैं नीचे जा रहा हूँ। असली मज़ा यहीं से है इस वाटरफॉल का। असली इंजॉय यहीं पे है जो वाटरफॉल का। क्या बेटा आपका, क्या नाम है आपका? हाँ, ये छोटा सा बच्चा यहाँ पे इंजॉय कर रहा है, नाम इसने पता नहीं क्या बताया आपना। ये देखो यहाँ कर रहे हैं, ये देखो ये भैया खड़े हैं बारिश के अंदर यहाँ पे और खीरे सेल कर रहे हैं। लोकल खीरा है भैया? अच्छा, क्या रेट देते हो? 80 रुपये किलो? ये 80 रुपये किलो है। हमने एक खीरा लिया है, भैया ने हमें डिस्काउंट कर दिया, 30 का दिया है। लो भैया निकल ही रहा है ना, स्टार्टिंग है ये लोग। मतलब महंगा क्यों होता है वाला खीरा? ये खीरा महंगा क्यों होता है? अभी रेट डाउन हो गया इसका, क्योंकि अभी रहा है ना। क्या रेट होता है इसका खीरे का मैक्सिमम? मैक्सिमम होता है इसका 50-60। 50-60 रुपये किलो? अच्छा, अभी तो वो है। चलो हमें तो वही रेट पड़ गया। फिर भी यहीं पे खड़े होते हो आप? ना, जब ज़्यादा होता है मार्केट में लगा। यहाँ बारिश हो रही है देखो पूरी, और बारिश के अंदर मैं भीग रहा हूँ। ये खेड़ी वाटरफॉल है क्या? ये खेड़ी, क्या नाम है इसका? इसका ये मनेरी डैम। अच्छा, मनेरी डैम है। और ये वाटरफॉल कहाँ पे है? कौन सा? खेड़ी। खेड़ी ये वाला तो फोटो खींचर था। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। मनेरी डैम है, मनेरी डैम इसी का पार्ट था जो वो वाटरफॉल सा चल रहा है। चलो ये अभी नया बना है यहाँ पे, और बारिश हो रही है यहाँ पे पूरी। पूरी नहीं, हल्की। हाँ फिर भी ये हिमाली ना लेट करवा देती है, हर 5 मिनट बाद बोल देती है यहाँ रुको, यहाँ रुको, यहाँ रुको। मैंने ऐसा और फिर कुछ बोलती है कि लेट हो गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, यही लेट कराती है। ये जब जब देखो ना, खीरे खाते रहते हैं रास्ते में रुक रुक के। खीरे? हाँ, ये मैंने खीरा लिया है अभी, हाफ ही खाया। बस खीरे खा लो, खा लो बस। बहुत महंगा दिया उसने खीरा ना। बेल्ट लगा लेते, बेल्ट लगाने भूल गया था मैं। मैंने लगाई थी और मैंने कहा था, कहा था माइल सो रहा है पीछे, हमने माइल की सेटिंग कर दी पीछे सोने की। है देखो 9 माइल आराम से सो फ्रीली। बिल्कुल आगे यहाँ से टेंपल दिखाई दे रहा है आपको एक साइड पे। ये देखिए यहाँ से कितनी बड़ी यहाँ से मूर्ति दिखाई दे रही है भगवान शिव की। पहले भी हम यहाँ पे आए थे एक बार, है ना? मंदिर में आए थे। बारिश हो रही है अभी यार, लेकिन हम जब हम मंदिर में आए थे ना इस वाले, तो उधर से आते हुए वापस आते हुए आए, है ना? ये है पायलट बाबा आश्रम, हनुमान जी की मूर्ति लगी है यहाँ पे और माता की फोटो लगी है। वापसी में आएंगे यहाँ पे, बारिश हो रही है ना, तो हमने डिसाइड किया है यहाँ पे हम वापसी में आएंगे। पुल पार किया जा रहा है और एक समय पे एक ही वाहन जाना चाहिए है। थक थक के आवाज आती है पुल पे से, काफी कमजोर सा पुल है ना, डर लग रहा था। आगे का व्यू देखा मैंने, इतना प्यारा, जैसे मुड़ेंगे मुड़ते ही हमें देखा ही। हम लोग भागीरथ घाटी में, कौन सी घाटी में? भागीरथ घाटी, भागीरथ देखो ऊपर गंगा माँ।